नमस्कार साथियों, मैं हरिओम स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एचओ स्टडी ग्रुप में। देखो साथियों, हमने बीज पाठ पढ़ रहे थे। बीज के बारे में अभी तक हमने चर्चा की कि बीज की परिभाषा क्या होती है, इसके अवयव क्या है और इसका अंकुरण कैसे होता है। फिर हमने देखा साथियों कि बीज का वर्गीकरण उसके निर्माण के आधार पर देखा साथियों, उसको मैंने आपको ट्रिक के जरिए पढ़ाया था साथियों। फिर हमने बीज से संबंधित जितने भी सूत्र थे उनको हमने विस्तार से देखा था साथियों। आज के वीडियो में हम बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करना देखेंगे, बीज का वर्गीकरण देखेंगे, अंकुरण के आधार पर देखेंगे, बीज से संबंधित जितने भी अनुसंधान संस्थान या इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में देखेंगे साथियों, और बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करेंगे और बीज की सुसुप्ता अवस्था क्या होती है इसके बारे में विस्तारित चर्चा करेंगे। आ जाओ साथियों, आप सभी जुड़ जाओ हमारे चैनल एचओ स्टडी ग्रुप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा साथियों। देखो, मैं आपको ट्रिक के जरिए भी पढ़ाऊंगा और आपको फैक्ट भी बता दूंगा। आपको जैसे भी याद करना हो बस याद करना चाहिए और अपना एग्जाम के क्वेश्चन सही होना चाहिए। देखो साथियों, अभी तक जितनी चर्चा की थी वो आप सब पुराने वीडियो में देख लीजिएगा। आज हम देखो अंकुरण के आधार पर बीज का वर्गीकरण पढ़ते हैं साथियों। देखो, आ जाओ हमारे व्हाइट बोर्ड पे, हेडिंग डाल दो सभी बच्चों की बीजों का वर्गीकरण। बीजों का वर्गीकरण, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सीड बेस्ड ऑन जर्मिनेशन, अंकुरण के आधार पर, अंकुरण के आधार पर, के आधार पर, आधार पर। देखो साथियों कि बीज का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अंकुरण के आधार पर क्या होता है साथियों, यह दो प्रकार से होता है और हम अंतर की दृष्टि से पढ़ेंगे। एक तो होता है साथियों इपीजीएल, इपीजीएल, एक होता है साथियों हाइपोजीएल, हाइपोजीएल। देखो साथियों, मैं एक बार इनकी परिभाषा लिख देता हूँ, फिर आपको इनको विस्तार से समझा दूंगा। मैं आपको जनरली बता देता हूँ कि इपीजीएल क्या होता है, हाइपोजीएल क्या होता है। एक बार मैं परिभाषा बोल देता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो मैं अभी आपको समझा दूंगा। इपीजीएल क्या होता है साथियों, जब बीज अंकुरित होता है तो उसका बीज पत्र रहता है, अगर वह भूमि के बाहर आ जाता है तो इपीजीएल कहलाता है। अगर बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाता है अर्थात बाहर नहीं आता, वह हाइपोजीएल कहलाता है। यह जनरली खरीफ की फसलों में होता है, यह रबी की फसलों में होता है साथियों। मैं अभी आपको बता भी दूंगा, एक बार परिभाषा लिख देता हूं। बीज अंकुरण के दौरान, बीज अंकुरण के दौरान, अंकुरण के दौरान, के दौरान बीज पत्र का, बीज पत्र का भूमि से बाहर आना, भूमि से बाहर आना, बाहर आना क्या कहलाता है साथियों, तो यह इपीजीएल टाइप का बीज अंकुरण कहलाता है साथियों। और हाइपोजीएल देखो कि बीज अंकुर, आप वो लाइन लिख देना कि बीज अंकुरण के दौरान बीज पत्र का, मैं शॉर्ट रूप से लिख देता हूं, बीज पत्र का भूमि के, भूमि के बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना अर्थात भूमि के अंदर रहना, नहीं आना क्या कहलाता है साथियों, तो यह हाइपोजीएल टाइप का बीज वर्गीकरण कहलाता है साथियों। अब देखो, यह खरीफ की फसलों में होता है, खरीफ की फसलों में इस प्रकार का बीज अंकुरण होता है, और यह रबी की, रबी की फसलों में हाइपोजेल प्रकार का बीज अंकुरण पाया जाता है। जैसे खरीफ में देखो साथियों, उदाहरण लिखो आप, जैसे मूंग, मोठ, उड़द, मूंगफली, मूंगफली, ग्राउंडनट, मूंगफली और चावला और गवार, ये इसके उदाहरण हो गए साथियों। इसके उदाहरण देखो, चना, मटर, मसूर। अब देखो साथियों, एक इम्पोर्टेंट नोट डाल लो चाहो तो आप, ये क्या है, अपवाद है, और आपको क्या है, स्टार डाल लेना है साथियों। यहाँ पर क्या डालना है, दोनों का एक एक अपवाद बताऊंगा साथियों।
और दोनों का ही आपको क्या डालना है, अपवाद डालना है। अब देखो साथियों, अरहर और राजमा, अरहर अरहर ये क्या है साथियों, मैंने बोला भी कर दिया, ये खरीफ की फसल है, किंतु आती कहाँ पर है, ये हाइपोजियल तरह का बीज अंकुरण होता है उसमें इसका उदाहरण आता है, तो आप यहाँ पर लिख दो अरहर। और साथियों देखो राजमा, राजमा क्या है, रबी की फसल है, किंतु उसका बीज अंकुरण प्रकार कौन सा है, ईपीजीएल, तो आप यहाँ पर क्या लिखो, आप यहाँ पर इसके उदाहरण में राजमा भी लिखो साथियों। तो आपको क्या है, ये स्टार डाल के लिखना है और इसे आप नोट कर लो। देखो एक जनरली शॉर्ट रूप से बता देता हूँ, जैसे ये मैंने चित्र बनाया, ये भूमि है और ये बीज है। अगर क्या होता है साथियों, अगर ये अंकुरण के दौरान ऐसे, जैसे अंकुरण के दौरान ये बाहर आ जाता है बीज पत्र, तो इसे क्या करते हैं, ईपीजीएल। और यह बीज अंकुरण के दौरान क्या होता है साथियों, अगर अंदर ही रह जाता है, जैसे ये है और ऐसे एक तो ये निकल गई, एक ये मूलांकुर और प्रांकुर अंदर ही रह गया, तो यह हाइपोजियल तरह का बीज अंकुरण हो गया। एक बार आप इसे नोट कर लो साथियों, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। फिर साथियों हम आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लो साथियों। फिर हम बीज की जीवन क्षमता देखेंगे साथियों, कि बीज की जीवन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है और बीज की जीवन क्षमता क्या होती है साथियों, आप इसे एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो साथियों। देखो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपने ये नोट कर लिया होगा, अब मैं इसे मिटा देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। देखो साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें साथियों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब देखो साथियों, हम आगे पढ़ते हैं बीज की जीवन क्षमता, बीज की जीवन क्षमता, जीवन क्षमता। अब बीज की जीवन क्षमता क्या होती है, बीज की जीवन क्षमता देखो शब्दों में ही पता चल रहा है, जीवन क्षमता कि अपन क्या देख रहे हैं कि बीज जीवित है या मर गया, मतलब उसकी जीवन के बारे में देख रहे हैं कि बीज की जीवन क्षमता कितनी है, वह जीवित है या निर्जीव है, इसके बारे में जो परीक्षण किए जाते हैं वही बीज की जीवन क्षमता कहलाते हैं साथियों। देखो इसके बारे में हम क्या क्या देखेंगे, मैं एक बार इधर आपको छोटा सा लिख देता हूँ, देखो फिर मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। पहला हम देखेंगे टेट्राजोलियस परीक्षण देखेंगे साथियों, दूसरा साथियों हम देखेंगे गार्डेक्स परीक्षण, मैं अभी आपको इसको मोटा मोटा भी समझाऊंगा, गार्डेक्स परीक्षण। तीसरा साथियों हम पढ़ेंगे इंडिगो काइमिन। चौथा पढ़ेंगे साथियों हम KMNO4, जिसे लाल दवा कहते हैं साथियों। पांचवा पढ़ेंगे हम गाढ़ा परीक्षण, गाढ़ा टेस्ट। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैं देखो आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो साथियों, टेट्राजोलियस परीक्षण या इसे आप टीजेड टेस्ट कह दो साथियों, या इसे आप जैविक परीक्षण कह सकते हो। यह क्या होता है, कैसे किया जाता है, पहली बात तो साथियों इस टेस्ट के बारे में मैं आपको एक बार शॉर्ट बताता हूँ। एक तो सबसे ज्यादा काम लिया जाने वाला कौन सा परीक्षण है, तो टेट्राजोलियस परीक्षण है। इसमें क्या होता है साथियों, 2-3-5 ट्राइफिनाइल और टेट्राजोलियस क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, लगभग सभी फसलों में इसी का उपयोग किया जाता है साथियों। गार्डेक्स क्या होता है, गार्डेक्स लगभग इसी का ही रूप है, सेम टू सेम यही किया जाता है, किंतु इसमें क्लोराइड के स्थान पे क्या होता है, ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। क्यों साथियों, ये भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि गार्डेक्स परीक्षण गन्ने में किया जाता है, शुगर केन में। अभी मैं आपको विस्तारित समझाऊंगा, एक बार मैं आपको जनरली बोल के बता देता हूँ। अब क्या होता है, शुगर केन में शर्करा होती है, इसलिए क्लोराइड का असर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्लोराइड के स्थान पर ब्रोमाइड लेते हैं साथियों। इंडिगो कार्मिन अपने भारत में उपयोग नहीं किया जाता है, इसके बारे में आपको बस नाम याद रखना है।
KMnO4, इसे कहते हैं साथियों लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका उपयोग सर्वाधिक तेज परीक्षण देता है, कौन सा देता है तो KMnO4, ये वाला परीक्षण सबसे तेज देता है साथियों। गाढ़ा का क्या होता है, ग्लूटामिन एसिड और डाइहाइड्रोजिनेज एक्टिविटीज, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है। अब देखो साथियों, मैं आपको जो बोला वह बता देता हूँ। सर्वाधिक उपयोगी परीक्षण, या यूं भी कह सकते हो आप कि सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला परीक्षण क्या है, तो टेट्रा जूलियस परीक्षण है साथियों। अब देखो इसमें कौन सा रसायन काम लेते हैं, 2,4,6 ट्राई फिनाइल टेट्रा जूलियस क्लोराइड, इस रसायन का इसमें प्रयोग किया जाता है साथियों, और लगभग सभी फसलों में, सभी बीजों में इसका उपयोग करते हैं, साथियों उसका उपयोग करते हैं। और इसको आप ये तो यहीं पर लिख लेना कि इसको जैविक परीक्षण या TG टेस्ट भी करते हैं। अब देखो साथियों दूसरा क्या होता है, दूसरा मैंने क्या कहा, गार्डेक्स परीक्षण या गार्डेक्स टेस्ट आप कह सकते हो साथियों। अब देखो सेम टू सेम ये किसके जैसा है, यह TZ टेस्ट के समान होता है, समान होता है। अब अंतर देखो साथियों, इसमें क्या अंतर है, क्लोराइड के स्थान पर देखो आप नोट डाल के लिख देना, ये वाला क्लोराइड है, क्लोराइड के स्थान पर ब्रोमाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है साथियों। और किस में किया जाता है ये, तो गन्ने में उपयोग किया जाता है, गन्ना अर्थात सुगर केन में यह उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, ये आपको समझ में आ गया होगा, आप फिर इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना। तीसरा देखो साथियों, मैं आपको समझा चुका हूँ तो इतना ज्यादा विस्तार से नहीं समझाऊंगा, इंडिगो काइमिन, बस आपको इसका नाम याद रखना है साथियों, क्योंकि यह भारत में उपयोग नहीं किया जाता है। आप देखो साथियों चौथा KMnO4, इसे लाल दवा भी कहते हैं, सर्वाधिक तेज परीक्षण देने वाला, तेज परीक्षण देता है, यह फास्टेस्ट रिजल्ट देता है। सबसे तेज परीक्षण कौन देता है जीवन क्षमता के बारे में, तो वह KMnO4 है साथियों। अब देखो पांचवे का बस आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, गाढ़ा परीक्षण, गाढ़ा टेस्ट, तो इसको लिखना है आपको ग्लूटामिन एसिड डाइहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी, ये बस आपको साथियों ध्यान रखना है। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट खींच लो या नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ साथियों। फिर हम बीज का उपचार पढ़ेंगे कि सीड ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसकी विधियो को विस्तार से वर्णन करेंगे साथियों। एक बार आप इसे नोट कर लो। देखो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं अब इसे मिटा देता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। अब साथियों हम बीज का उपचार पढ़ेंगे, इसको मैं आपको ट्रिक के जरिए बता दूंगा ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। देखो साथियों, अब हेडिंग डालो बीज उपचार। अब सीड ट्रीटमेंट क्या होता है, बीज उपचार क्या होता है। देखो साथियों,
बीज को फसल में बोने से पहले क्या है उसको उपचारित किया जाता है, ताकि क्या है जैसे बीज जनित जितने भी रोग होते हैं या बीज जनित जितने भी कीट वगैरह लगते हैं ताकि वो नहीं लगे, इसलिए क्या करते हैं साथियों और जल्दी अंकुरित हो जाए इसलिए बीज का उपचार किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं सीड ट्रीटमेंट या बीज उपचार कहा जाता है। अब देखो इससे क्या फायदा मिलता है, एक तो रोगों का निदान हो जाता है, एक जल्दी अंकुरण हो जाता है और बीज में कोई क्षतिग्रस्त होता है तो उसका भी पता चल जाता है साथियों, इसलिए हम क्या करते हैं बीज उपचार करते हैं। अब देखो इसकी क्या क्या मेथड है, पहली तो है FIR विधि से कर देते हैं। FIR का मतलब क्या होता है, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड राइजोबियम, इसकी फुल फॉर्म होती है, उसके द्वारा किया जाता है साथियों। और कुछ रसायनों जैसे कुछ रोगों को पढ़ेंगे उन वह बीज जनित होते हैं तो उनके निदान के लिए हम कौन सा रसायन यूज करते हैं और उन रोगों के बारे में कुछ विषय चर्चा करेंगे साथियों। फिर हम पढ़ेंगे कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट गर्म जल उपचार, इसको जेनसन के द्वारा दिया गया था साथियों, और 5 मिनट के लिए क्या करते हैं 50 से 55 डिग्री ताप पर रखते हैं तो वह क्या हो जाता है साथियों 50 से 55 डिग्री गर्म जल में रखते हैं तो वह हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो जाता है। एक आता है साथियों सोलर उपचार, जो सौर ऊर्जा के द्वारा जो उपचारित किया जाता है उसको सोलर कहते हैं। यह टर्म किसने दी थी साथियों, तो लुथरा नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। इसमें क्या होता है साथियों कि इसमें यह सिर्फ गर्मियों के दिनों में अपनाई जाती है, क्योंकि सूर्य का तापमान कहाँ ज्यादा रहता है तो गर्मियों के दिनों में। और क्या करते हैं साथियों, बीज के ऊपर काली पॉलिथीन रख दिया जाता है ताकि वो क्या करती है टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, तापमान को अधिक देर तक बढ़ा देती है साथियों। तो यह बीज उपचार में हम ये चीजें पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया, अभी ट्रिक के जरिए भी बता दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो सीड ट्रीटमेंट, तो मैंने बता दिया साथियों किस लिए करते हैं, क्योंकि बीज की जल्दी अंकुरण हो जाता है, उसके जो भी रोग या कीट लगते हैं उनका भी निदान हो जाता है। देखो साथियों पहला लिखना है FIR विधि से, बीज उपचारित किससे किया जाता है साथियों, तो FIR विधि से। FIR का मतलब क्या होता है, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड राइजोबियम। ठीक है साथियों, ये आपको नोट कर लेना है। देखो फंजीसाइड क्या होता है साथियों, फंजी मतलब फंजाई, फंगीसाइड मतलब कवक को मारने वाला, क्या कहलाता है साथियों फंगीसाइड कहलाता है। इंसेक्टिसाइड क्या कहलाता है साथियों, जो इंसेक्ट अर्थात कीटों को नष्ट कर दे वह इंसेक्टिसाइड कहलाता है। राइजोबियम एक प्रकार का कल्चर होता है जो बीज उपचारित में काम आता है साथियों। आशा करता हूँ कि आपको ये FIR विधि समझ में आ गई होगी, ये बीज उपचार। अब देखो कीट रोगों का तो ये निदान कर देता है, ये बीज उपचारण के लिए अंकुरण के दौरान काम आ जाता है साथियों। अब देखो दूसरा, अब ये क्या है, इसके लिए मैं एक सारणी बनाऊंगा साथियों और आपको वह समझ में आ जाएगी। पहले मैं एक सारणी बना देता हूँ साथियों, फिर मैं आपको उसको ट्रिक के जरिए याद करा दूंगा। देखो साथियों रोग लक्षण फसल, या साथियों आप यहां पर फसल बाद में लिख लेना, यहां पर रसायन ये आप लिख लेना है साथियों। देखो मैं एक सारणी बना देता हूँ साथियों, हमने क्या लिखा डिजीज के बारे में, उसके लक्षण देखेंगे, उसके रसायन, और मैं आपको उसकी यहाँ पर जगह नहीं बचेगी साथियों, फसल आपको बाद में करा दूंगा। देखो पहला कंडवा रोग, कंडरा रोग इसको कहते हैं साथियों स्मट। दूसरा रोग है साथियों रोली रोग इसको कहते हैं साथियों रस्ट। तीसरा है साथियों मधु, इसको कहते हैं साथियों रोमिल या पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी या छाछा कहते हैं, सॉरी साथियों छाछा रोग हिंदी में इसको छाछा रोग, अंग्रेजी में कहते हैं साथियों पाउडरी मिल्ड्यू। और एक आता है साथियों डाउनी मिल्ड्यू या मृदु रोमिल,
मृदु रोमिल, मृदु रोमिल रोग अर्थात डाउनी मिर्ड्यू, डाउनी मिर्ड्यू। ये साथियों चार रोग हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखो इसमें आपको क्या है, मोस्टली इंग्लिश के नाम याद रखना, क्योंकि क्या है कभी कभी वह अंग्रेजी में देता है साथियों, और अंग्रेजी में आपके लिए क्या है अच्छा रहेगा। इसमट कंडवा रोग क्या होता है, रस्ट रोली रोग, पाउडरी मिल्ड्यू छाछा व डाउनी मिल्ड्यू मृदु रोमिल। ये क्या होता है साथियों, एक बार मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं लक्षण का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु लिख दूंगा। देखो साथियों इसमट क्या होता है, इसमट क्या होता है, जैसे साथियों कोई जैसे गेहूं का पौधा है, गेहूं के पौधे में साथियों जैसे उसका पुष्पक्रम होता है, पुष्पक्रम में बीज के स्थान पर क्या बन जाता है, काले रंग का पाउडर बन जाता है, तो यह इस्मट रोग का लक्षण है साथियों। रस्ट रोग क्या होता है साथियों, कि जैसे कुछ पौधे रहते हैं, कोई फसल रहती है, उसमें पुरानी पत्तियों पर क्या होते हैं, उनकी पुरानी पत्तियां एक तो पीले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं या हल्के लाल गुस्सा रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, तो वह या फफोले मान लो, वह क्या कहलाता है, रस्ट या रोली रोग कहलाता है। ये पत्तियों में होता है, पुरानी पत्तियों पर धब्बे या चकते या फफोले पड़ जाते हैं। छाछा रोग क्या कहलाता है, पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, इनको आप एक तरह से देखो, जैसे साथियों ये एक पत्ता है, पत्ते के ऊपरी सतह रहती है, एक निचली सतह रहती है, अगर ऊपरी सतह पर सफेद पाउडर नजर आता है तो वह साथियों क्या कहलाता है, पाउडरी मिल्ड्यू कहलाता है, और डाउनी अर्थात डाउन स्थान पर मतलब निचली सतह पर अगर पाउडर नजर आता है साथियों तो वह मृदु रोमिल कहलाता है साथियों। अब देखो मैं इसका लक्षण लिख देता हूँ, एकदम शॉर्ट तरीके से लिखता हूँ। कंडवा रोग स्मट में क्या होगा, पुष्पक्रम अर्थात इनफ्लोरसेंस, पुष्पक्रम के स्थान पर क्या हो जाता है, काले रंग का पाउडर नजर आता है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। दाने के स्थान पर क्या आता है, काले रंग का पाउडर नजर आता है। रोली रोग क्या होता है साथियों, रस्ट रोग, पुरानी पत्तियों पर पीले हल्के लाल घुसर रंग के फफोले या धब्बे पड़ जाते हैं साथियों, ठीक है साथियों। छाछा रोग क्या होता है, पत्ती की ऊपरी सतह पर सफेद पाउडर का नजर आना, ठीक है साथियों। और डाउनी अर्थात डाउन स्थान पर, पत्ती की निचली सतह पर सफेद पाउडर का नजर आना क्या कहलाता है साथियों, डाउनी मिल्ड्यू। देखो मैं इसकी रसायन की आशा करता हूँ कि आपने ये लिख लिया होगा साथियों, ये मैं मिटा देता हूँ। देखो साथियों इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, ताकि उससे क्या है आपको इसके रसायन याद हो जाएंगे साथियों। देखो एक बात बताता हूँ कि एक बार मैं ट्रिक लिख देता हूँ साथियों, फिर उसके बाद आपको यह समझा दूंगा कि वीके ने आरपी की गेंदों पर छक्के मारे। ये हमारी ट्रिक है साथियों। देखो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, जैसे एक विराट कोहली है, विराट कोहली ने क्या है आरपी की गेंदों पर क्या मारे दोस्तों, छक्के मारे। ये आपको ट्रिक याद करनी है कि विराट कोहली ने आरपी की गेंदों पर छक्के मारे, ये हमारी ट्रिक है। अब इसको हम इस पर अप्लाई करते हैं साथियों। देखो वी का मतलब हुआ विटावेक्स, ये कौन से रोग में लगता है साथियों, तो यह कंडवा रोग में लगता है, तो अर्थात कंडवा स्मट रोग में कौन सा रसायन लिख दूं साथियों में, विटावेक्स। चाहे आपको ट्रिक से याद हो जाए तो अच्छी बात है, जो भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो साथियों। आर मतलब रोली रोग और पी का मतलब होता है साथियों प्लांटावेक्स। तो रस्ट रोग में कौन सा रसायन काम आएगा साथियों, प्लांटावेक्स, ये रसायन काम आएगा साथियों।
और देखो इधर देखो साथियों, छह छह मतलब छाछा रोग, छाछा रोग अर्थात पाउडरी मिल्ड्यू में कौन सा रसायन काम आएगा साथियों, केराथेन, केराथेन इनके द्वारा क्या किया जाता है, यह उच्चारित किया जाता है साथियों, देखो केराथेन, केराथेन। और इधर देखो साथियों, ये हो गया मृदुरोमिल, मृदुरोमिल अर्थात डाउनी मिल्ड्यू, और इसमें कौन सा रसायन काम आएगा साथियों, रिडोमिल, रिडोमिल। आशा करता हूं कि आपको शायद इस ट्रिक के जरिए आसानी से याद हो जाए साथियों, रिडोमिल। ये एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट खींच लो साथियों, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। जैसे स्मट रोग होता है साथियों, आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो, स्मट रोग गेहूं वगैरह में होता है साथियों, और कंडवा स्मट रोग गेहूं वगैरह ग्रेमनी फैमिली में होता है साथियों, और रस्ट रोग गेहूं में हो जाता है, और आपको ध्यान रखना है डाउनी मिल्ड्यू व पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू कुकुरविट्स कुल में होता है साथियों, वह मक्का ज्वार बाजरा भी होता है साथियों, और डाउन पाउडरी मिल्ड्यू साथियों मटर सरसों मेथी जीरा आदि में होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आप इसे एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लो साथियों, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हमारा बीज उपचार खत्म हो जाएगा साथियों। फिर हम बीज की सुसुप्ता अवस्था देखेंगे कि बीज की सुसुप्ता अवस्था क्या होती है, एक बार आप इसे नोट कर लो साथियों। आशा करता हूँ साथियों कि आपने यह नोट कर लिया होगा या स्क्रीन शॉट खींच लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ साथियों। आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। विकी ने आरपी की गेंदों पर छक्के मारे, बी अर्थात विटावेक्स कंडरा रोग के लिए, रस्ट रोग के लिए प्लांटावेक्स, छाछा अर्थात पाउडरी मिल्ड्यू के लिए केराथेन, व मृदुरोमिल अर्थात डाउनी मिल्ड्यू के लिए रिडोमिल। ये आपको रसायन आसानी से याद हो जाएंगे साथियों। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं मिटा देता हूँ साथियों। अब देखो साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी साथियों। अब देखो साथियों, हम बीज की सुसुप्ता अवस्था पढ़ेंगे। अब हेडिंग डाल लो आप, बीज की सुसुप्ता अवस्था, बीज की सुसुप्ता अवस्था, सुसुप्ता अवस्था। सुसुप्ता अवस्था को इंग्लिश में साथियों डोरमेंसी फेज कहते हैं। अब यह क्या होती है इसके बारे में बताओ सर। तो सुसुप्ता अवस्था कैसे होती है, जैसे कोई बीज है साथियों, अब बीज को क्या है, हमने अनुकूल वातावरण दे दिया, उसके हिसाब से जो उसको चाहिए था वह हमने उसको दे दिया, अब उसको हमने क्या है उगाया, परंतु वह उग नहीं पाया, यह क्यों हुआ, तो साथियों इसको ही क्या कहते हैं, बीज की सुसुप्ता अवस्था कहते हैं, कि अनुकूलतम तापमान पर भी बीज का नहीं उगना अर्थात अंकुरित नहीं होना क्या कहलाता है साथियों, तो बीज की सुसुप्ता अवस्था डोरमेंसी फेज ऑफ सीड कहलाता है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे होता है साथियों, जैसे इसके हम तीन प्रकार पढ़ेंगे साथियों। कभी कभी क्या होता है साथियों, वह सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है, उसमें कुछ रसायन होते हैं उसके कारण वह सुसुप्ता अवस्था में चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, हम बीज को अधिक गहराई तक बो देते हैं, जैसे उसको कम बोना था किंतु अधिक गहराई अधिक डेप्थ में डाल दिया तो वह उग नहीं पाएगा। और कभी कभी क्या होता है साथियों, उसकी आनुवांशिक जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है, आनुवांशिक तरीके से ही वह सुसुप्ता अवस्था में पाया जाता है। और देखो साथियों, एक ऐसा खरपतवार है जंगली जई, उसमें तीनों प्रकार की सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है। और सुसुप्ता अवस्था को कैसे तोड़ते हैं, तो थायोयूरिया आप ले सकते हैं, KNO3 आप ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट आप ले सकते हैं, इसके बारे में अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो साथियों, तो बीज की सुसुप्ता अवस्था क्या कहलाती है साथियों, कि अनुकूलतम अनुकूलतम तापमान तापमान व परिस्थितियों में भी व परिस्थितियों में भी परिस्थितियों में भी बीज का अंकुरण नहीं हो पाना, बीज का अंकुरित अंकुरित नहीं हो पाना नहीं
हो पाना क्या कहलाता है साथियों, तो बीज की सुस्तता अवस्था कहलाता है कि वह जर्मिनेट नहीं हो पाता है। चाहे उसको फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करा दो, फिर भी वह डोरमेंसी फेज में चला जाएगा। यह तीन प्रकार का होता है। देखो इसके कितने प्रकार है साथियों, तीन प्रकार है। पहला देखो साथियों इनफोर्स, आपको इसको इंग्लिश में ही याद करना होगा। इनफोर्स हो गया, इंड्यूस हो गया, वह साथियों एक हो गया इन नोट। ये आपको तीनों इंग्लिश में ही वर्ड याद रखने पड़ेंगे साथियों। अब इन फोर्स क्या होता है, मतलब फोर्सफुली क्या करते हैं, हम उसको अधिक गहराई में डाल देते हैं या अधिक डेप्थ में डाल देते हैं। देखो मैं तीनों को लिख देता हूँ फिर आपको समझा दूंगा। अधिक गहराई में बीज को बोने पर उत्पन्न सुसुप्ता अवस्था ये होती है साथियों इन फोर्स। अर्थात फोर्सफुली क्या कहा हमने, उसको अधिक गहराई में बो दिया, तो इसके कारण जो सुसुप्ता अवस्था उत्पन्न होती है उसे क्या करते हैं, इन फोर्स टाइप की डोरमेंसी फेज करते हैं। इंड्यूस क्या होता है साथियों कि बीज निर्माण के दौरान उसमें बनने वाले हानिकारक रसायनों या हार्मोन, जिसे हार्मोन क्या हो गया साथियों, एब्सिसिक एसिड। मैंने हार्मोन चैप्टर पढ़ाया हुआ है, एक बार आप वहां देख लेना। एब्सिसिक एसिड के बारे में मैं आपको बता देता हूं, यह क्या होता है साथियों, यह सभी हार्मोन प्रेरक हार्मोन होते हैं, उनका क्या होता है एंटी रूप होता है। अर्थात जो बीज को अंकुरित करेगा जिब्रेलिक एसिड, तो यह एंटी जिब्रेलिन की तरह काम करेगा। यह किसकी तरह काम कर रहा है, एंटी जिब्रेलिन GA3 की तरह। यह क्या करता है, बीज अंकुरण को प्रेरित करता है, किंतु यह क्या करता है, उसको बीज अंकुरण को रोक देता है, डोरमेंसी फेज में डाल देता है। तो बीज निर्माण के दौरान उसमें बनने वाले हानिकारक रसायनों या हार्मोनों के कारण उत्पन्न सुसुप्ता अवस्था। तो यह किस प्रकार की कहलाएगी साथियों, इंड्यूस टाइप की कहलाएगी। और इन नोट क्या होता है साथियों, यह अनुवांशिक होती है, अनुवांशिक प्रकार की सुसुप्ता अवस्था है। ऐसे होता है कि उसमें जेनेटिकल ही यह आती है सुसुप्ता अवस्था, तो वह क्या कहलाती है, इनोट प्रकार की सुसुप्ता अवस्था कहलाती है। साथियों देखो आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप यहाँ पर एक और नोट डालो कि यह तीनों एक नोट डालो, फिर मैं आपको एक इसके सुसुप्ता अवस्था को कैसे तोड़ा जाता है उसके रसायनों के नाम लिखा दूंगा साथियों। कि जंगली जई नाम के खरपतवार में तीनों प्रकार की सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है। एक बार आप इसे नोट कर लो, एक बार और समझा देता हूँ कि क्या होता है। बीज को अनुकूलतम तापमान दे दो या फेवरेबल टेम्परेचर या कंडीशन दे दो, फिर भी वह क्या होगा, अंकुरित जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो यह क्या कहलाएगा साथियों, बीज की सुसुप्ता अवस्था डोरमेंसी फेज कहलाएगी। तीन प्रकार की होती है, इन फोर्स, इंड्यूस व इन नोट। फोर्सफुली क्या करते हैं, धरती के अंदर डाल देते हैं, तो अधिक गहराई में बोने के कारण क्या होता है, इन फोर्स टाइप की डोरमेंसी होती है। इंड्यूस क्या होती है कि उसके अंकुरण के दौरान, बीज अंकुरित होता है उसके दौरान क्या होता है, ऐसे हानिकारक रसायन बन जाते हैं या कुछ हार्मोन के कारण उत्पन्न सुसुप्ता अवस्था, ये क्या होती है, जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है साथियों, ये आपको स्टार डाल लेना है यहाँ पर, कि जंगली जय होता है उसमें तीनों प्रकार की सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है। एक बार आप इसे नोट कर लो साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं साथियों कि
सुषुप्तावस्था कैसे तोड़ी जाती है, फिर हम आइसोलेशन डिस्टेंस देखेंगे। साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपने यह नोट कर लिया होगा। साथियों मैं अब विषय मिटा देता हूँ। साथियों अब देखो सुषुप्तावस्था को तोड़ने वाले रसायन, सुषुप्तावस्था को तोड़ने वाले रसायन तो देखो साथियों तीन रसायन है, थायो यूरिया, दूसरा है साथियों KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा है साथियों जिब्रेलिक एसिड। और एक नोट यहाँ पर डाल देना साथियों कि आलू में यह पेपर में भी पूछा गया है, आलू की सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए 1% थायो यूरिया का प्रयोग करते हैं। यह आपको नोट डाल के लिख लेना है साथियों। अब देखो हम आइसोलेशन डिस्टेंस पढ़ते हैं, पृथक्करण दूरी क्या होती है साथियों, फिर हम इसके कुछ संस्थानों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। पृथक्करण दूरी क्या होती है साथियों, कि जब बीज निर्माण करते हैं उसके दौरान क्या होता है साथियों, उसकी आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो दो खेतों के मध्य न्यूनतम दूरी रखी जाती है उसे पृथक्करण दूरी कहते हैं साथियों। एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं साथियों। मैं आशा करता हूँ साथियों कि आपने यह लिख लिया होगा। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। साथियों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना साथियों। अब देखो पृथक्करण दूरी, आप हेडिंग डालो साथियों पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस। ये क्या होता है साथियों, मैंने जैसे आपको बताया था अंकुर, मैंने देखो एक बार और चीज रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने क्या पढ़ाया था साथियों अंकुर आपको पढ़ाया था कि बीज का वर्गीकरण जो कि मैंने क्या पढ़ाया था ट्रिक से पढ़ाया था, किसके निर्माण के आधार पर। तो मैंने आपको वहां ट्रिक बताई थी कि केदार के जनक ने अपना आधार कार्ड व पंजीकृत प्रमाण पत्र बनाया। वहां पर देखो मैंने आपको एक टर्म बताई थी रोगिंग। क्या होता है साथियों कि बीज अंकुरण के दौरान उसकी आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए खेत में अवांछित पौधे को हटा देना क्या कहलाता है साथियों, रोगिंग कहलाता है। ऐसे ही क्या करते हैं पृथक्करण दूरी अपनाते हैं। देखो वही परिभाषा लिखूंगा कि बीज में या फिर बीज निर्माण के दौरान उसकी आनुवांशिक जेनेटिक प्योरिटी आनुवांशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए दो खेतों इसमें क्या होता है साथियों, दो खेतों के मध्य न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है साथियों, पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाती है। जैसे साथियों एक खेत यह है तो बीज निर्माण करते हैं, इनके मध्य जो न्यूनतम दूरी रखी जाती है साथियों वह पृथक्करण दूरी या आइसोलेशन डिस्टेंस कहलाती है साथियों। एक बार अब देखो बीज से संबंधित थोड़ा हम जल्दी देख लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है साथियों। बीज से संबंधित संस्थान
संतान के बारे में देख लेते हैं साथियों। अब देखो पहला डालो आप साथियों एक मार्क। एक मार्क के बारे में आपने सुना होगा साथियों, इसकी स्थापना 1936 में क्या हुई थी साथियों, नागपुर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। एक मार्क की स्थापना 1937 में नागपुर महाराष्ट्र में होती है। यह क्या करता है साथियों कि बीज उत्पाद रहते हैं, जो भी कृषि से संबंधित उत्पाद रहते हैं उनकी शुद्धता का मापन करता है, उनकी शुद्धता को यह दर्शाता है। ठीक है साथियों, इसको आप याद रखना। देखो साथियों एक ट्रिक और बताता हूँ मैं आपको, वह भी आपके जीवन में हमेशा काम आएगी। देखो साथियों नेशनल सीड कॉरपोरेशन, सीड एक्ट और सीड रूल, ये आपको ध्यान रखना है। सीड रूल देखो साथियों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनकी फुल फॉर्म, इनको क्या है मैं ट्रिक के जरिए बताऊंगा साथियों। नेशनल सीड कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन यह होता है साथियों सीड एक्ट और यह होता है सीड रूल। अब देखो साथियों एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। अब देखो यह कब पारित हुआ साथियों, तो 1963, यह 1966, यह 1969 को पारित हुआ। अब देखो साथियों एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। कार आपने देखी होगी, कार आपने शायद चलाई भी होगी साथियों। अब देखो आपको क्या करना है, 196 लिख देना है साथियों। अब क्या करना है आपको, तीन का पहाड़ा बोलना है, एक तिया तीन, दो तिया छः, तीन तिया नौ। देखो सेम डिटो मैंने ये किया है, एक तिया तीन, दो तिया छः, तीन तिया नौ, ऐसे ही आपको याद रखना है। कार चलाना है, सी का मतलब हो गया साथियों कॉरपोरेशन, ए का मतलब हो गया साथियों एक्ट और आर का मतलब हो गया साथियों रूल। इसको कहते हैं राष्ट्रीय बीज निगम, इसको कहते हैं साथियों सीड अधिनियम, बीज अधिनियम, इसको कहते हैं बीज नियम। ये तीनों चीजें आपको याद रखना है अच्छे से ट्रिक के जरिए, आप कभी नहीं भूलोगे साथियों। ये आप एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। 2001 में फार्मर राइट एक्ट आया था साथियों, और 2002 में पेटेंट नियम आया था, और नेशनल सीड पॉलिसी आई थी साथियों, और 2004 में सीड बिल आया था साथियों। एक बार आप इसे नोट कर लो, फिर मैं उसे भी लिखा देता हूँ, फिर लगभग आज का हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाएगा साथियों। देखो साथियों आशा करता हूँ कि आपने लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ साथियों। अब देखो साथियों 2001, 2002 व 2004, इसमें क्या आया था साथियों, फार्मर राइट एक्ट इसमें आया था साथियों, इसमें क्या आया था पेटेंट एक्ट इसमें आया था साथियों, और इसमें एक और आया था साथियों नेशनल सीड पॉलिसी। ठीक है साथियों, और इसमें आया था द सीड बिल। ये आपको साथियों नोट कर लेना है, यह भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथियों। यह लगभग हमारा ये खत्म हो जाएगा। आपको ये ट्रिक याद रखनी है कार, तो इसमें क्या है, ये क्या है साथियों, कई दफा अच्छे एग्जाम में पूछे गए, आपके जेट में भी आए हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी आए हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पेटेंट एक्ट कब लागू हुआ, या फिर आपको ये याद रखना है, ये पूछा गया है साथियों। यह ओल्ड एग्जाम में आप देख सकते हो। देखो मैं स्टार्ट कर देता हूँ साथियों, वो एक पेन था वो नहीं मिल रहा है, इसी से कर देता हूँ साथियों। एक तो नेशनल सीड पॉलिसी, राष्ट्रीय बीज पॉलिसी, और इधर ये तीनों आपको याद करने ही साथियों। तो ये तो मैंने आपको ट्रिक के जरिए याद करवा दिए, ये आपको ध्यान रखना है साथियों। 2002 में आया है, और फार्मर राइट एक्ट, कि किसान का ये अधिनियम कब आया है, फार्मर राइट एक्ट
तो वह 2001 में आया है। आशा करता हूँ कि साथियों ये आपको पूरा समझ में आया होगा। एक बार को भी याद रखना 1937, ये क्या होता है, किसी भी चीज कोई भी उत्पाद रहता है उनकी शुद्धता का प्रतीक होता है, ये एक मार्क का चिन्ह। आशा करता हूँ कि साथियों लगभग आपको पूरा सीट चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया और आपको यह पूरा समझ में आया होगा। और आशा करता हूँ साथियों कि आप इसे कमेंट करके बताओगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपके लिए उपयोगी है या नहीं, और अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करोगे और सभी दोस्तों को इसके बारे में बताओगे। अब आशा करता हूँ साथियों आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। किंतु आप कमेंट करके जरूर बताना साथियों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद साथियों।